कोटा में दो दिन पहले एरोड्रम सर्किल पर होमगार्ड जवान को चाकू मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने शनिवार को आरोपी आबिद मोहम्मद को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गुमानपुरा थाना पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ में रोचक तथ्य सामने आया। आरोपी ने बताया कि वो घर पर रोजाना होने वाले झगड़ों से परेशान था और जेल जाने की कहकर घर से निकला था, जिसके बाद आरोपी ने घर से बाहर निकलकर एरोड्रम के सर्किल पर होमगार्ड को पुलिसकर्मी समझकर चाकू से मार दिया और उसके बाद मौके से फरार हो निकला। बीस तारीख को एरोड्रम सर्किल पर ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहे ब्रजराज होमगार्ड के एक लड़के ने चाकू मार दिया था और चाकू मार के वह भाग गया था, जिसको कल आबिद मोहम्मद नाम का लड़का है जो दुर्गा बस्ती में रहता है उसको गिरफ्तार किया है और उससे ये घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। आज उसको एसटीएससी कोर्ट में पेश करके उसका दो दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। हाँ, अभी तक वारदात को ये घर पे इसका झगड़ा होना और ये जेल जाना चाहता था, ये आया है प्रारंभिक जांच में, उसके बाद में अब इससे और पूछताछ करेंगे पीसी रिमांड में उसके बाद।